नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे समय परिवर्तन ले रहा है, हमें भी आशा की नई किरणें भी दिख रही हैं। तो अभी क्या होने वाला है कि जून का जो पहला हफ्ता है, यह बहुत ध्रुवीकरण का हफ्ता है, यानी कि इस बीच में वृषभ राशि में बहुत कुछ विशाल होने जा रहा है। और वृषभ राशि हमारे भारतवर्ष की भी राशि है, तो जो जून मास का पहला हफ्ता है, यह बहुत बड़ी चीजों को हमें दिखाने वाला है, उसके दर्शन कराने वाला है, उसके अनुभव कराने वाला है। अब यहाँ पर जो ध्रुवीकरण है, वह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ध्रुवीकरण तब होता है जब एक राशि में कई ग्रह आ जाएं। तो जब कई ग्रह आ जाते हैं, यानी कि सारे के सारे सपोर्ट करने के लिए, यानी कि वृषभ राशि में इतने सारे ग्रहों का एक साथ आना हो रहा है, यानी कि पहला हफ्ता 1 जून से लेकर के 7 जून तक का जो हफ्ता है, ये बहुत सारे विशाल बड़े अरेंजमेंट्स को दिखाने वाला है। बहुत सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, चारों तरफ वाहवाही होगी, चारों तरफ यहाँ पर इसकी चहु दिशा पर इसकी चर्चा भी होगी। यहाँ पे कारण क्या है कि जो वृषभ लगन है, वृषभ लगन के जो स्वामी शुक्र देव हैं, वह इसी राशि में स्थापित है, पहला बात। दूसरा, ये खुद वृषभ लगन है, यानी कि भूमि की वृद्धि की, आपके खान पान की व्यवस्था की, धन लक्ष्मी की, वाणी की, तो जितना भी यहाँ पर आप देखेंगे तो शुक्र से संबंधित चीजों का यहाँ पर आने वाले समय में बहुत कुछ बड़े बदलावों को देने वाला है, जो सारे के सारे चेंजेस पॉजिटिव होने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य, सूर्य जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी होकर के भी लगन में स्थापित होंगे, चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर के भी लगन पे स्थापित होंगे, बुध आपके द्वितीय भाव के स्वामित्व लेकर के इसी लगन पर स्थापित होंगे, और शुक्र हो गए, और गुरु आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी है, साथ ही लाभ भाव के भी स्वामी है। तो यह गुरु भी यहाँ पर स्थापित है, और साथ में एक और बड़ा चेंज है, वह है यूरेनस का। तो यूरेनस जो है वह बड़े बदलावों को लेकर ही आ रहे हैं, और यूरेनस का जो बिहेवियर है, यूरेनस क्या काम करता है कि अवेकनिंग कर देता है, आपके अंदर चेंज ला देता है, सरप्राइजेस दे देता है, सोशल सर्कमस्टेंस को चेंज करने का, यानी कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर एक बड़ा बदलाव को लाता है, और ट्रेडिशंस को यहाँ पर वह एक नए बदलाव को दिखाता है, यानी ट्रेडिशंस से हट करके कुछ विशेष होने की बात होती है, लिबर्टी देता है, बड़े बड़े रिगुलेशंस आते हैं, और दैट पुट इनटू एक्शन, यानी कि जो रिगुलेशंस आते हैं वो एक्शन में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देना कि इस व्यवस्था में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, और जो यूरेनस इस राशि में 7 वर्ष तक रहेंगे, तो यह बदलावों का जो सिलसिला है यह लगातार बदलता रहेगा, यानी कि यहाँ पर बड़ी उठापटक दिखने वाली है। और जो यूरेनस है वह ब्रिलियंस दिखाते हैं, इनोवेशंस दिखाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स दिखाते हैं, सडन चेंजेस दिखाते हैं, फ्रीडम दिखाते हैं, इंडिपेंडेंस दिखाते हैं। तो इस चीज को समझना, इंडिपेंडेंस वर्ड के मीनिंग को समझना, यहाँ पर आजादी को समझना, यहाँ स्वतंत्रता को समझना, क्योंकि ये जो यूरेनस है यह बड़ा काम करने के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े निर्णय यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भावों के स्वामी है वह एक साथ है, तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन है वह दूसरे भाव को लेकर के है, तीसरे भाव को लेकर के है, चौथे भाव को लेकर के है, और पांचवें भाव को भी लेकर के, उसके साथ साथ यूरेनस का एक जो है पूरा का पूरा एक बड़ा बदलाव आ रहा है, एक बड़ा ट्विस्ट आ रहा है यहाँ पर। तो यूरेनस के जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको वह रूल्स लगेंगे, क्योंकि यूरेनस अपने ही रूल्स स्वयं फॉर्म करते हैं, यानी कि जो प्रगति के लिए आवश्यक है, जो चीजें आपका विकास कर सकती हैं, वैसे रूल्स यहाँ पर बनते हैं। यूरेनस विस्फोटक भी होते हैं और बड़े बड़े डिजास्टर्स को भी देते हैं। तो ऐसे में ऐसी भी संभावना है कि यहाँ पर हमें कुछ बड़े 7 वर्षों के अंदर भी बड़े बड़े डिजास्टर दिखाई दें, जिसमें हम सोचे कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो होना संभव ही नहीं था। तो बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर देखने वाली है। यूरेनस को जिसको हर्षल कहते हैं,
प्रजापति कहते हैं, गॉड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, तो समझ जाइए कि गॉड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स है। प्रजापति को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, तो यूरेनस वृषभ राशि में आकर के एक प्रजा का पति आपको यहाँ पर विस्फोटक स्थिति में दिखाई देगा। यहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उसका आशय समझ जाएंगे, क्योंकि नाम अगर लेंगे तो अभी YouTube मेरे वीडियोस को भी बैन करने लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एडवांसमेंट हमें दिखने वाला है, एक बिग ब्रेक थ्रू, आप मेरे शब्दों को याद रखिएगा, बिग ब्रेक थ्रू यहाँ पर दिखने वाला है। यह इनोवेशन विद प्रैक्टिकलिटी भी है, इनोवेशन जहां हो रहा है वहां पर प्रैक्टिकलिटी भी हो रही है। और यूरेनस जो है वह प्लैनेट ऑफ लिबरेशन है, ऑफ फ्रीडम है, यानी कि सच्ची स्वतंत्रता आपको अब दिखने वाली है। ये एक सु अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाना यूरेनस को बहुत अच्छे से आता है। तो ये जो यूरेनस है ये एक राशि में 7 वर्ष रहेंगे और पूरा एक राशि चक्र कंप्लीट करने के लिए 84 वर्ष लगाते हैं। तो यूं तो एस्ट्रोलॉजी में अगर कहा जाए तो मुख्यतः ये 9 प्लैनेट्स भी आते हैं, जिसमें राहु और केतु 2 छाया प्लैनेट होते हैं, लेकिन बाकी जो जिनके पिंड के स्वरूप में हम देखते हैं, जैसे सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, मंगल दिखाई देता है, बुध भी हम देख लेते हैं कभी कभी, और शुक्र भी को भी देख लेते हैं, गुरु भी दिखते हैं, शनि भी दिखते हैं, मैंने एटलीस्ट इतने प्लैनेट तो देखे हैं, लेकिन राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। और जहां तक यूरेनस की बात है, इस पे अभी रिसर्च जारी है, और यूरेनस चूंकि काफी दूरी, इसका जो सूर्य से जो दूरी है वह काफी ज्यादा है, तो ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो इसके सूर्य की जो परिक्रमा है वह ज्यादा समय लेती है, यानी कि 84 वर्ष लेती है एक पूरा व्रत को कंप्लीट करने में। तो इन 84 वर्षों के अंदर में एक कहा जाए सिविलाइजेशन डेवलप हो जाती है, यानी कि जब ये कंप्लीट करता है अपना पाथ कंप्लीट करने में, यानी कि अब जैसे ये वृषभ राशि में आ रहा है तो अब अगला जो वृषभ राशि में आना है ये 84 वर्ष के बाद ही आएगा, यानी कि जब इसने वृषभ राशि में यह 2 जून के आसपास प्रवेश ले रहा है, तो अब वृषभ राशि में जब ये कंप्लीट, वृषभ के बाद मिथुन और ऐसे घूमता घूमता 7-7 वर्ष हर राशि में व्यतीत करता हुआ आएगा, तो नेक्स्ट जो इसका एडवांसमेंट आएगा वो 84 वर्ष के बाद आएगा, यानी कि बहुत समय के बाद। तो ये जो एक समय है यह बहुत ही कारगर समय है और इस समय पे बहुत कुछ बदलने वाला है। यह प्लेनेट ऑफ जो इनोवेशन है यह बड़े बड़े बदलावों को देने वाला है। यूरेनस क्या क्या दे सकता है? यूरेनस को ब्रिलियंस कहते हैं, यूरेनस को इन्वेंशंस कहते हैं, ओरिजिनलिटी कहते हैं, प्रैक्टिकलिटी कहते हैं, इसको मानवता कहा जाता है, यूरेनस को विज्ञान कहा जाता है, यूरेनस को साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, रिबेलियन कहते हैं, सडन चेंजेस कहते हैं, अर्थक्वेक एंड नेचुरल डिजास्टर भी यूरेनस के टर्म में ही दिखाई देते हैं, और फ्रीडम मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है। तो ये क्या है? सब यूरेनस के ट्रेड है जो आने वाले समय में 7 वर्ष तक रहने वाले, और इस बीच में ये जो जून का फर्स्ट वीक है इसमें सारे के सारे प्लेनेट आपको एक लाइन दिखाई देंगे, एक सीधी रेखा में दिखाएंगे, यानी कि वृषभ राशि क्राउडेड दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर मैनी प्लेनेट्स आ गए हैं, यहाँ पर कई प्लेनेट्स का एक साथ होना कुछ बड़े कामों को दिखाने वाला बनता है, यानी कि बहुत ही बड़ी रचना यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ जो 1 जून है, और इसके बाद देखिए जो चंद्रमा है वह भी धीरे से शिफ्ट होकर के इसी वृषभ है, यानी कि उच्च का चंद्रमा यहाँ पर हो जाएगा। शनि अपने आप सामाजिक व्यवस्था में कुंभ राशि में एक राशि में बैठे हुए हैं जो सामाजिक क्षेत्र को दिखाते हैं, राहु और मंगल यह बैठे होंगे मीन राशि में। तो यहाँ पर एक बड़े जो अंगार हैं वह थोड़ा सा शांत अवस्था में, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। तो यहाँ पर देखिए राहु केतु और शनि और साथ में मंगल, बस इतने ही प्लैनेट हैं जो कि दूसरी अवस्था में, उसमें से भी कुछ प्लैनेट हैं वह बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में। यहाँ पे खास बात एक और भी है, मंगल भी अपनी राशि का परिवर्तन करके मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में आ जाएंगे, यानी कि कुछ नए इनिशिएशंस को स्टार्ट करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शनि अपनी राशि में होंगे, मंगल अपनी राशि में होंगे, और जो सूर्य है, चंद्र है, बुध है, शुक्र है, गुरु है, यह सब के सब वृषभ राशि में ही स्थित होंगे। तो यह एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा, यानी कि सभी ग्रह अपनी अपनी राशि व्यवस्था में है और वृषभ लगन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं
और कुछ बड़ा होने का यहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित है, एकदम 100% यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। तो मित्रों ये था मेरा भाव जो आने वाले समय में जून मास में हम देखने को हमें मिलेगा, हम इसका प्रत्यक्ष दर्शन भी करेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड का अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।